हेलो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे इन्फिनिक्स का एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और वो जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5 और ये स्मार्टफोन हमें नाइजीरिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और साथ ही साथ इसके प्राइसिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली इन्फिनिक्स भी जल्दी जल्दी अपने नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करता हुआ जा रहा है। अभी आपने देखा इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस ही जस्ट लॉन्च हुआ, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का स्मार्ट 5 भी नाइजीरिया में लॉन्च हो चुका है, मतलब कि इंडिया में भी ये जल्द ही हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इस फोन में आपको जो है ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और वो हो सकता है मीडियाटेक का हेलियो A25 या फिर मीडियाटेक का हेलियो P22, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इन्फिनिक्स इन्हीं दो प्रोसेसर पर चिप का रहता है। तो यहाँ पे इसमें आपको सेम यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको 6.6 इंच की HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि बिल्कुल आपको इन्फिनिक्स के स्मार्ट 4 प्लस की तरह ही इसमें आपको जो है कैमरा और बाकी सारे फीचर देखने को मिलेंगे। इस फोन में आपको जो है 2GB की रैम वेरियंट देखने को मिलेगी जो कि एक बेस वेरियंट है और 3GB और 64GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा जो कि इसका हाईवर वर्जन है। और यहाँ पे इनकी जो प्राइसिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा लो होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें इस स्मार्टफोन के रियर कैमराज की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमराज का सेटअप देखने को मिलेगा, वो भी 13 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ में। और तो और यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक और सेंसर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे बात करें इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट बैक डिज़ाइन देखने को मिलेगा और बैक पे ही आपको जो है फिंगरप्रिंट का सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे ये एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होगा और काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन है। इस फ़ोन की जो बैटरी वो आपको 5000 mAh की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको जो है 10W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे इन्फिनिक्स थोड़ा अलग करना चाहता है। और यहाँ पे नाइजीरिया में लॉन्च हो चुका है और जल्द ही आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अब बात करें इसकी लॉन्च डेट और प्राइसिंग की, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग होगी वो जो बेस वेरियंट है 2GB और 32GB का, उसका प्राइस आपको अंडर 6K देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 3GB और 64GB का वेरियंट है, उसका जो प्राइस है वो आपको अंडर 8000 देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जो लॉन्च डेट है वो आपको सितंबर या फिर उसके लास्ट में देखने को मिल सकती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।